आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है। एक तरफ मंदी का सामना कर रही कंपनियां और विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी ही सरकार के मुखालफत की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि विपक्ष का आक्रामक होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मोदी सरकार की योजनाओं का बखान कर दावा करते हैं कि हम वो कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ, बात चाहे फिर मेक इन इंडिया की हो या फिर उज्ज्वला योजना की। बीजेपी नेता तो इसे लेकर फूले नहीं समाते। सुब्रमण्यम स्वामी को तो अपनी ही सरकार की नीतियां रास नहीं आ रही। तभी तो बिपटरी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं, साथ ही पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भी घेरा है। स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना और खुले में शौच को रोकने जैसे कई कार्यक्रम और योजनाओं पर काम किया, लेकिन ये सभी सूक्ष्म आर्थिक उपाय हैं, जबकि देश को वृहद आर्थिक नीतियों की जरूरत है जिस पर हमें अभी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अब यह करना होगा क्योंकि अब हम कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रघुराम राजन की नीतियों का ही ये नतीजा है जिससे आज बेरोजगारी बढ़ी है और लघु मध्यम उद्योगों को नुकसान पहुंचा है। स्वामी ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक ऋण पर ब्याज दरें 9% से ज्यादा ना हो, तभी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।